कैसे करें डॉट कॉम में आप सभी का स्वागत है। और आज बात करने वाले हैं योनो बैंक के बारे में, या फिर ऐसा बात करते हैं, योनो एक बैंक अकाउंट है एसबीआई की तरह ही। एसबीआई का जो है वो मर्जर है ये, तो ये एक डिजिटल बैंकिंग सिस्टम है एसबीआई की तरफ से लॉन्च किया हुआ। तो आज इसके बारे में आपको बताने वाले हैं। इसके लिए जो आपको कुछ खास और बड़ा नहीं करना है, जस्ट आपको बताएंगे अगर आपके पास में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नेट बैंकिंग अकाउंट है तो अपना अकाउंट जो वो कैसे बना सकते हैं, क्या क्या आपको प्रोसेस रहेगा, और नया अकाउंट जो वो कैसे बनाएंगे अगर आपके पास में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कोई अकाउंट ही नहीं है, तो आई बटन में आपको जानकारी मिल जाएगी। अभी जो योनो बैंक अकाउंट जो वो कैसे बनाते हैं उस जो अगर आपके पास में एसबीआई नेट बैंकिंग अकाउंट है तो कैसे बनाते हैं, इसकी जानकारी आपको देते हैं। तो सबसे पहले आपको ऐप को ओपन करना है, योनो ऐप को। तो आप जो वो उसको ओपन कर लीजिए जैसा आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। इसके बाद जो है वो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखने वाला है। यहाँ पर जो वो आपको लिखा मिलेगा आई एम एन एग्जिस्टिंग कस्टमर रजिस्टर फॉर योनो, यानी मैं जो वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पहले से कस्टमर हूँ, मुझे योनो के लिए रजिस्टर करना है। तो आप इस ऊपर वाले पे क्लिक कर दीजिए। अगर आपका ये है आई एम न्यू टू एसबीआई, यानी एसबीआई का आपने अकाउंट नहीं किया, उसका ऑप्शन नीचे है, उसकी वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो वो अगर आपके पास में नेट बैंकिंग आईडी है तो आप जो वो यहाँ पर आई एम एन एग्जिस्टिंग कस्टमर रजिस्टर फॉर योनो पे क्लिक करते हैं, आपसे पूछा जाता है कि आपके पास में है या नहीं, तो येस कर दीजिए अगर है तो, नहीं है तो नो चूज़ कर लीजिए, उसकी वीडियो भी आई बटन में मिल जाएगी। आप प्रोसेस जो वो आगे कैसे करेंगे, तो यहाँ पर जो वो आपको क्या करना होता है, अपना नेट बैंकिंग का जो यूज़र नेम है वो एंटर करना होता है, या फिर अगर आपको किट मिला हुआ है तो उसका टेम्परेरी वाला भी डाल सकते हैं। तो मैं जो वो डाल देता हूँ अपना यूज़र नेम और पासवर्ड, जो भी मेरा पासवर्ड था वो, और रेफरल कोड मेरे पास में नहीं है, आपको मैं जो मेरा रेफरल कोड नीचे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जो वो उसको यूज़ कर सकते हैं, आपको कुछ बेनिफिट जो वो उसके अंदर मिलने वाला है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सबमिट बटन दिया गया है, इस पर जो आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आपको आगे प्रोसेस किया जाता है। तो यहाँ पर जो वहाँ पे आपको आगे कुछ इस तरह की डिस्क्रिप्शन या फिर जो आपको दिया जाता है कंसेंट ऑफ यूज़ एम पिन, आपको जो यहाँ पर एम पिन वगैरह को यूज़ करने की और काफ़ी सारी जानकारी दी जाती है। आपको यहाँ पर जो ये टिक आइकन है इस पर टिक करना है और क्लिक कर देना है नेक्स्ट पे। तो जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं आपको जो ये टर्म एंड कंडीशंस पूरी पढ़नी होती है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर जब आपको एक पिन सेट करना होगा जो कि यहाँ पर 6 डिजिट का होने वाला है, तो जो भी पिन आप सेट करना चाहते हो वो यहाँ पर जो वो डाल दीजिए, आप टिक कीजिए। मैं जो वो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ये जो वो डाल नहीं सकते हैं 1 2 3 4 5 6 क्योंकि ये बहुत ईजी होता है, इसको अलाउड नहीं किया जाता है। लेकिन मैं जो आपको एक सिर्फ एक एग्जाम्पल देने के लिए जो वो बता रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए जैसा आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपके सामने प्रोसेसिंग होती है और आपके मोबाइल नंबर पर जो है वो एक ओटीपी सेंड किया जाता है, यानी वन टाइम पासवर्ड जो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। तो आप जब वो जो ओटीपी आपके पास में आए वो यहाँ पर जो एंटर कर दीजिए। मेरे पास जो मेरा ओटीपी है वो आ चुका है, तो मैं जो वो उसको कॉपी करके यहाँ पर जो वो डाल देता हूँ और उसके बाद क्लिक कर देना है आपको नेक्स्ट पे। तो जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं लीजिए आपके सामने प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद कॉन्ग्रेचुलेशन, आप जो अभी लॉगिन कर सकते हैं अपने योनो बैंक के अंदर। तो आप जो क्लिक कर दीजिए गो टू लॉगिन पे। जैसे आप गो टू लॉगिन पे क्लिक करते हैं और आप जब वो अंदर आगे चले जाते हैं तो आपको जब वो एम पिन एंटर करना होगा जो आपने अभी सेट किया था वो वाला, और उसके बाद जो वो आसानी से आप लॉगिन कर पाएंगे अपने अकाउंट में। यहाँ पर कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, इनके बारे में जानकारी जो वो आपको आने वाले समय में हम लोग देने वाले हैं। आप ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं, पेमेंट कैसे कर सकते हैं, इन सब की जानकारी आपको आने वाली हमारी और वीडियोज़ में मिल जाएगा। ये था प्रोसेस की अकाउंट आप जो वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आप यहाँ पर अपनी पूरी और डिटेल्स भी जो वो काफ़ी सारी देख सकते हैं और आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी और आप जान पाए कैसे जो वो आप योनो एसबीआई बैंक के ऊपर जो वो अपना अकाउंट बना सकते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए जानकारी कैसी लगी और आप क्या नया जानना चाहते हैं इसके बारे में, और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को और सब्सक्राइब बटन दबा करके घंटी को दबा लीजिए ताकि आपके दोस्त लोग और आप भी जो वो हमेशा जानते रहे कुछ इस तरह की खास जानकारियाँ सब्सक्राइब करने के बाद। बने रहिए हमारे साथ, सीखते रहिए कैसे करें।